दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO को लेकर दो बेहद ही खास खबर सामने आई है। मैंने अपने चैनल पर कई बार DRDO द्वारा बनाई जा रही हाइपरसोनिक मिसाइल की काफी तारीफ की है, जिस पर काफी लोग जो भारतीय साइंटिस्ट पर भरोसा नहीं करते और DRDO पर विश्वास नहीं रखते, वो इसका काफी मजाक भी बनाते हैं और कहते हैं कि हम फेक तारीफ DRDO की करते हैं। हो सकता है कि हम फेक तारीफ DRDO की करें, लेकिन जब खुद अमेरिका भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल की तारीफ करे तो इसका मतलब भारत की DRDO सही राह पर है। जी हाँ दोस्तों, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर अमेरिका ने कई बड़े दावे कर डाले हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो DRDO द्वारा जारी किए गए नोटाम को लेकर है और यहाँ पर दुनिया की मोस्ट टिपिकल मिसाइल का परीक्षण DRDO करेगा। यह परीक्षण कब है और किस मिसाइल का परीक्षण होने वाला है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी विद रेफरेंस। इसलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जो पहली खबर है वो DRDO के परीक्षण को लेकर है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से आज हर देश अपनी ताकत बढ़ा रहा है और नई नई मिसाइलों को विकसित कर उनका परीक्षण कर दुनिया को दिखा रहा है। अगर हम आज की ही बात करें तो एक और जहां नॉर्थ कोरिया ने प्रतिबंधित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया है, जो कि परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। आज के इस परीक्षण से जापान, साउथ कोरिया समेत अमेरिका तक को नॉर्थ कोरिया ने चिंता में डाल दिया। वहीं आज ही भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भी एक बार फिर से परीक्षण किया है। भारत लगातार ब्रह्मोस की धार को और तेज कर रहा है। कभी 290 किलोमीटर तक की रेंज रखने वाली ब्रह्मोस आज सुपरसोनिक स्पीड से 800 किलोमीटर अंदर तक मार करने में सक्षम हो गई है। हाल ही में इसी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में घुसकर उनके डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी थी। बहरहाल, इसके अलावा भारत ने फिर से एक नया नोटाम जारी कर दिया है। मिसाइलों के निर्माण में सबसे ज्यादा मुश्किल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को विकसित करना होता है। यही कारण है कि दुनिया के चुनिंदा देश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाते हैं और ज्यादातर देश अमेरिका और रूस से हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल खरीदते हैं। भारत ने जो एरिया वार्निंग इशू की है, इसमें हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल के परीक्षण की बात की जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस परीक्षण को भारतीय स्वदेशी विमान तेजस से किया जाएगा, क्योंकि तेजस में जाने के लिए अस्त्र मिसाइल के ग्राउंड ट्रायल पहले ही कंप्लीट किए जा चुके हैं। यही कारण है कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहां पर भारत अस्त्र मिसाइल का ट्रायल करेगा, क्योंकि जो एरिया वार्निंग इशू की गई है वो 120 किलोमीटर के दायरे में की गई है और यह रेंज सुटेबल है अस्त्र मिसाइल के लिए। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर एरिया वार्निंग को भी देख सकते हैं। एरिया वार्निंग की लेंथ 120 किलोमीटर की है, वहीं इसकी चौड़ाई 75 किलोमीटर की है। वहीं यह टेस्ट APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया जाना है। इसकी शेप को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह अस्त्र मिसाइल का ही नोटाम है। हालांकि हर बार की तरह किस मिसाइल का परीक्षण होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बात करें यह परीक्षण कब होगा, तो यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट किया जाएगा, वो भी अलग अलग डेट पर सेम एरिया वार्निंग के साथ। एक परीक्षण 27 मार्च को किया जाएगा तो वहीं दूसरा 1 अप्रैल को। अब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को सबसे ज्यादा टिपिकल इसलिए माना जाता है क्योंकि हवा में जिस टारगेट को ये हिट करता है वो भी हवा में अपनी गति से चल रहा होता है। ऐसे में मिसाइल को दोगुनी स्पीड में जाकर हवा में ही टारगेट को नष्ट करना होता है। बहरहाल, बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR अस्त्र मिसाइल को तेजस से फायर करना एक ह्यूज अचीवमेंट हमारे लिए होगी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है, अमेरिका ने भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की तारीफ की है। दरअसल, सीनेट आर्म सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष जैक रीड ने बुधवार को कहा कि हम यानी अमेरिका ऐसी स्थिति में है जहां हम तकनीक संबंधी सुधार कर रहे हैं। कभी तकनीक के क्षेत्र में हमारा वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहीं पर उन्होंने आगे कहा कि उन्नत तकनीक के क्षेत्र में अब अमेरिका उतना प्रभावशाली नहीं रहा, जबकि चीन, रूस, भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की हासिल कर ली है। यह बयान अपने आप में बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि आज भारतीय तकनीक की चर्चा अमेरिकी संसद में हो रही है। इससे पहले अक्सर हम ही चीन, अमेरिका, रूस की टेक्नोलॉजी की तारीफ करते थे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को हाइपरसोनिक क्षेत्र में लगातार निराशा हाथ लग रही है। वहीं रूस ने पिछले साल हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया था। वहीं यूक्रेन युद्ध में भी रूस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर चुका है। वहीं चीन के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। वहीं भारत पहले ही हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण कर चुका है। वहीं ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर काफी तेजी से काम कर रहा है और इस साल या अगले साल में इसके परीक्षण की उम्मीद जताई जा रही है। यही कारण है कि अमेरिका हमारी तारीफ कर रहा है। भारत की DRDO और भारत की ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।